धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हेमंत सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना की राशि रोककर राज्य की हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों में बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य से उग्रवाद को खत्म किया गया था, राज्य में अपराध पर लगाम कसा गया था, जबकि हेमंत सरकार में अपराध बढ़ा है। धनबाद विधानसभा से अभी तक इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है तो आखिर घोषणा क्या करेंगे। पैसे देकर टिकट लेने वाले को ढूंढ रहे हैं। एनडीए द्वारा अभी तक टुंडी सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। विधानसभा के जो प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं वो एक एक प्रत्याशी रात दिन 24 घंटा जनता के बीच में हर लोगों के सुख दुख में दिन रात खड़ा रहने का परिणाम कि पार्टी ने ऐसे कर्मठ, जुझारू और जनता के सेवक के रूप में प्रत्याशी को घोषणा किया है। 24 के इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके इस राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और वैसे लोग जो झारखंड को, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लूटने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है, झारखंड को मान सम्मान को गिराने का काम किया है, झारखंड को बदनाम करने का काम पूरे भारतवर्ष में किया, पूरे विश्व में किया है, इसका हिसाब इस 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत सोरेन जी से लेने के लिए तत्परता के साथ खड़ी है। वो अब ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम लोग एनडीए में कुछ आपस में बात हो रही है, उसको तुरंत हम लोग विधानसभा के जो प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं